अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, कुछ मिरर्स बनाए, और हर क्वेश्चन में हमें इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए अभी जो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे, मिरर क्या होगा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हम क्या करें, हम ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। तो ऑब्जेक्ट से मिरर पर जब मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ऐसा, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर इधर एक पॉइंट मार्क कर दो, वो इसकी इमेज हो जाएगी। आया समझ में? अब ये हो गया। अगर हम इसका रे डायग्राम बनाना चाहें तो रे डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे एक रे चले जाएगी, ये वाला एक रे ऐसी, और दूसरी रे और एक बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। ये इसका रे डायग्राम बन गया। अब यहां से देखें, क्या ये ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो मिरर के पीछे रखा हुआ है। इमेज बनने के लिए इस सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंचेगी तो इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। नो इमेज फॉर्मेशन। अब थर्ड में क्या कहा है, थर्ड में देखो ये मिरर है और हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर से, मिरर के सामने नहीं रखा, थोड़ा साइड में रखा है। अब इसकी इमेज बनेगी, बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसकी इमेज नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं है, ये गलत सोच रहे हैं जो भी ऐसा सोच रहे हैं। और उनके लिए बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो वो खुद घर में कर सकते हैं। घर में कहीं ना कहीं मिरर लगा रखा होगा अपने घर में, उस मिरर के सामने खड़े हो जाएं, फिर थोड़ा ऐसे साइड में होकर के देखें, फिर ऐसे साइड में होकर के देखें, तो हमें मिरर में वो ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देंगे जो मिरर के सामने नहीं है, मिरर के साइड में। करके देखना ऐसा, है ना, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी, इसको ज़रूर करके देखें, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अब ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई कि ऐसे करके हमने देखा उधर के ऑब्जेक्ट, इधर के ऑब्जेक्ट दिख गए, ऐसे करके देखेंगे तो इधर के ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे, है ना, ऐसा होगा। यहाँ मिरर लगा हुआ है इस तरह से, और इस तरह से देखा दिख गए, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि जिस ऑब्जेक्ट से मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट पहुँच सकती है उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। बहुत बड़ी बात होगी, फिर से एक बार सुने, जिस ऑब्जेक्ट से मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट पहुंच सकती है उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब हम ये देखते हैं कि इससे, इस मिरर पर लाइट पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन तो ऐसे ही होगा, अगर होगा तो, कि मिरर का नॉर्मल ड्रॉ किया और उस नॉर्मल पे जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी बन जाएगी, अगर बननी है तो, है ना। तो देखते हैं, अब हमने क्या किया, यहां से एक रे मिरर पर इंसिडेंट कराया, मिरर पर लाइट पहुंच रही है, जब मिरर पर लाइट पहुंच रही है तो इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, यहां से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाती लगेगी, फिर दूसरी रे कंसीडर करें, ऐसे। अच्छा, अब बड़ी बात यह है, इमेज तो बन गई लेकिन दिखेगी कहां से, तो रेज किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं और इसके बीच में भी जा रही हैं, तो यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये इमेज दिख पाएगी, है ना, ऑब्जर्वर यहां होना चाहिए तो तब इमेज दिखेगी। देखो दो बातें हैं, इमेज बनना और इमेज दिखाई देना। इमेज बनेगी तो सही,
लेकिन दिखाई किसको देगी? इस ऑब्जर्वर को, यहाँ कोई ऑब्जर्वर होगा उसको नहीं दिखाई देगी क्योंकि उधर कोई लाइट नहीं जा रही है। अब इसी तरह का क्वेश्चन ये है, एक तरह से इसी का ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी मिरर के जो लाइन है वो एक्सटेंड कर दो, उसके बाद इससे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ इमेज बन जाएगी, ये इसकी इमेज हो गई, ठीक है। तो ये इमेज, अब यहाँ से लाइट ऐसे भेज दो, ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा फील होगा कि यहाँ जा रही। और एक दूसरी रे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट हो गई, यहाँ कहीं इंसिडेंट हो गई, ऐसा किसको दिखाई देगी है? इस ऑब्जर्वर को जो यहाँ पर होगा, इधर भी दिखाई देगी वैसे, यहाँ से भी कुछ रेज जाएंगी तो यहाँ से भी देख सकते हैं, इधर से नहीं देख पाएंगे, आए समझ में? तो इस तरह से इनके इमेज बनाए जा सकते हैं। ये अभी हमने किसके बनाए? पॉइंट ऑब्जेक्ट के, सारे क्वेश्चन हमने किसके लिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट के। अब हम थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, नोट कर लो इसको। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमने लिए, इनकी इमेज हमें बनानी है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का तरीका है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स, उनकी इमेज बना लो। जैसे ये एक एरो है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पॉइंट और इस पॉइंट की इमेज मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इनके कुछ नाम रख दो चाहे से, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, ठीक है। अब ए और बी की इमेज अगर हम बना लें तो ए और बी की इमेज बनाने के बाद हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके लाइन ज्वाइन कर दो, ऐसे लाइन एक्सटेंड कर दो। बी की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी, ठीक है। रे डायग्राम नहीं बना रहे हम, इमेज बना रहे सीधे। ए की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बन जाएगी, ये बी डैश, ये ए डैश, ये इसकी इमेज बन गई, ठीक है, ये इसकी इमेज हो गई, ए डैश बी डैश, इस तरह से। इसके लिए ए बी, इधर से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इधर से एक लाइन ड्रॉ करें, नॉर्मल टू मिरर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहां पर इमेज बन गई बी पॉइंट की, यहां पर इमेज बन गई ए पॉइंट, ऐसा बी डैश ए डैश, आया समझ में? इस तरह से इमेज बनी। अब यहां पर देखो, यहां पर देखें तो इसकी जो इमेज बननी है इस पॉइंट से, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, ये एरो के हेड की इमेज, ये टेल की इमेज और ये पूरी इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, आया समझ में? अब ये जो जेड दिया हुआ है, इसकी इमेज हमको बनानी है, तो इसकी इमेज बनाने के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब देखो फिर से वही बात है, पूरे जेड की इमेज बनेगी या हाफ जेड की इमेज बनेगी? तो पहले तो हम इमेज बना लेते हैं, फिर उसमें से देखेंगे कितने पार्ट की बननी है, कितने पार्ट की नहीं बननी है, ठीक है। इसकी इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जाएगा और इधर ऐसे जाएगा, ये इसकी इमेज बन गई है। अब ये पूरे की बनेगी कि हाफ की बनेगी, तो उसके लिए क्या इस पॉइंट से लाइट जा सकती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर? बिल्कुल जा सकती है। जब इस पॉइंट से लाइट जा सकती है तो इस पॉइंट की इमेज भी बनेगी, ऐसे, ऐसे में तो पूरे कंप्लीट जेड की इमेज बनेगी। अब यहाँ पर बस ये जरूर है, जितना छोटा हम मिरर लेंगे इंटेंसिटी उतनी कम होगी, बड़ा मिरर लेंगे तो इंटेंसिटी इमेज की ज़्यादा होगी। अब ये देखो, ये जेड कैसा दिखाई दिया? उल्टा दिखाई दिया। तो ये जेड जो उल्टा दिखाई दिया, ये लेटर उल्टा हो गया, लेटर उल्टा हो गया, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, मतलब जैसा हम लिखेंगे उससे उल्टा वो दिखाई देगा। अब हम क्या चाहते हैं?
हमारे मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो अगर हम ऐसे एम्बुलेंस देखना चाहते हैं ठीक है ना, जो भी पूरा, तो अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, हमको उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर ध्यान से कभी देखेंगे तो एम्बुलेंस पे आगे की तरफ जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है? जिससे जब हम मिरर में उसकी इमेज देखें हमें सीधा दिखाई दे और हम उसको पढ़ करके उसको साइड दे दें, ठीक है ना, इसलिए लिखा होता है। अब कई लोग हैं पढ़ने के बाद भी साइड नहीं दे सकते, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर जो भी है, ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा हुआ है कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ना, आया समझ में। और इस चीज़ को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, नोट कर लो इसको। अब ये देखो, ये एक काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक क्लॉक है जिसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं, कुछ टाइम हो रहा है, मिरर में देखेंगे तो कितना टाइम दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमें इसकी इमेज बनानी पड़ेगी मिरर में, इसमें कितना टाइम हुआ है, टाइम देखना आता है सबको इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हुआ है 1:30, ठीक है ना, 1:30 टाइम हुआ है। अब ये जो 1:30 टाइम हुआ है, इसकी इमेज अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बन जाएगी। ये सेंटर, ऐसा। अब येलो हैंड की इमेज बनाएंगे तो येलो हैंड की इमेज ऐसी बनेगी, और ग्रीन की इमेज बनाएंगे तो ग्रीन की ऐसी बनेगी। ये हमने इसकी इमेज बना ली। अब इमेज बनाने के बाद इसका अगर हम टाइम देखें तो ये कितना हो गया, 6, 9, 10 10, और ये कितने पर है, 30 पर। इसमें कितना टाइम हो रहा है, 10:30। तो ये तो एक तरीका हुआ, ऐसे इमेज बनाओ और फिर टाइम सॉल्व करो। दूसरा तरीका एक और होता है कि ये जो 1:30 हो रहा है इसको हम 12 आवर क्लॉक है ना, ये तो 12:00 में से जो भी टाइम हुआ है, जैसे 1:30 हुआ है, 1:30 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हम थोड़ा और, मैं इससे भी मुश्किल एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसको मैं सॉल्व करूँगा। तो 1:30 में से सपोज, अभी हम पहले 1:30 के लिए करते हैं, तो 1:30:00। अब हम क्या करें, यहाँ से 1 इधर ट्रांसफ़र कर दें, एक घंटा 1 आवर ट्रांसफ़र किया, 1 आवर ट्रांसफ़र किया तो कितने मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स हो गए। इधर तो 0:00 ही रहने दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0:00 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए तो 30 11 1 उधर चला गया ना, 11 बचा, 11 में से 1 गए तो 10:30 आ गए। अब सपोज और मुश्किल थोड़ा सा लें, और मुश्किल लेंगे तो 12:00:00 सपोज हमें एक टाइम दिया हुआ है, और थोड़ा सा मुश्किल लिया, जैसे हमने 3:21 or 35 3:21:35 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 1 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, फिर अभी इधर भी चाहिएगा,
इधर से वन इधर ट्रांसफर करें, वन मिनट ट्रांसफर किया 60 सेकेंड्स, लेकिन यहाँ कितना रह गया, आप यहाँ रह गया 59 और यहाँ रह गया 11, सब्ट्रैक्ट करें 60 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, 9 में से 1 8, 5 में से 2 3, 11 में से 3 8, ये इसका टाइम आ जाएगा। आयसन में चाहे तो इमेज बना के कर लो, चाहे ऐसे कर लो। अब ये तो एक तरीका हुआ, अब इमेज बनाने का मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। जैसे मान लो इसी की इमेज हमको बनानी है ना, तो इसकी इमेज बनाने के लिए यहाँ पर ये हमने बना दिया मिरर, ये मिरर, मिरर बनाने के बाद ये हमने जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज हम बनाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी, सॉरी ऑब्जेक्ट बना दिया, कलर्स में इसलिए यूज नहीं कर रहा कि वो दिखाई नहीं दे पाएंगे हमको पीछे से, इसलिए मैंने डार्क कलर यूज किया। अब इसकी इमेज हम देखना चाहते हैं, तो इसकी इमेज देखने के लिए क्या करें, इसको फोल्ड कर दें, मिरर से फोल्ड कर दें। यहां देखें तो ये जो हमने फोल्ड किया मिरर से, अब इसको थोड़ा सा लाइट में अगर हम देखेंगे, तो लाइट में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर से हमने फोल्ड किया और ऐसे थोड़ा इसको लाइट में रखेंगे, देख पा रहे हैं, ठीक है, वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पर निडिल आ गई। या फिर अब मैंने कलर तो यूज़ किया ही है, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ और इसको खोल दूंगा, तो यहाँ पर इसकी इमेज हमको दिख जाए, दिख रहा है, ये हल्का सा इम्प्रेशन आ गया इसका। तो बस हमें क्या करना है, मिरर से फोल्ड कर दो, जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है हमको उसको मिरर से फोल्ड कर दो, या यूँ करो कि पीछे से देख लो, पीछे से देखोगे तो इमेज दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट था, इसको पीछे से देखोगे तो इमेज दिखाई देगी। तो जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनाने का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, बस उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन के पीछे वाले पेज पर ही उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसके पीछे वाले पेज पर इसका आंसर है, आया समझ में। तो इस तरह से हमें देख लेना है और हमें आंसर मिल जाएगा, और ये तरीका तो है ही जो मैंने बताया।